बड़वानी में पिता पुत्र की मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कसरावत रोड पानी फिल्टर के पीछे बस्ती में पिता मंगल और पुत्र धीरज की मौत होने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार काका पहले से बीमार थे और कल रात बारिश के बाद उन्हें घबराहट हुई और घर के बाहर आकर सो गए। जब सुबह परिजनों से उठकर देखा तो काका की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से उनका 7 वर्षीय पुत्र अचानक घबरा गया और उसने भी अपना दम तोड़ दिया। घटना से सनसनी फैल गई और लोगों की काफ़ी भीड़ मौके पर लग गई। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं परिजनों द्वारा बड़वानी कोतवाली पुलिस को इस संबंध सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। पिता पुत्र की मौत हुई, क्या मामला? ये आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जो न्यू फिल्टर प्लांट है उसके पीछे जो कॉलोनी बनी है वहाँ पर पिता और पुत्र जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। उस सूचना पर तत्काल में FSL टीम और SDP साहब और सारे स्टाफ के साथ वहाँ मौके पर पहुँचा तो प्रथम दृष्टया जो है पिता और पुत्र जो है एक ही घर में वहाँ सोए हुए थे। और रात्रि में करीब बताया, जैसा परिवारजनों ने बताया, कि 3 बजे के करीब पिता को अचानक कुछ घबराहट सी हुई थी तो वो बाहर आके सो गए घर के बाहर। और बालक जो है वो उसको भी कुछ दर्द हो रहा था पेट में और उसके बाद वो लोग वापस दर्द होने के बाद पानी पी के सो गए। और जब घर वाले सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों मृत हैं। तो मौके पर FSL टीम और हमने पूरा मौका मुआयना किया है और इसमें मर्ग कायम करके अब इसमें जांच की जा रही है। अजय क्या हुआ ये? कुछ नहीं सर, ये काका को रात में पानी गिरा बरसात के मौसम में तो उनको घबराहट हुई, तो घबराहट से बाहर आए तो बाहर उन्होंने लड़के उनको बोला तुम सो जाओ मैं बाहर सो जाता हूँ। तो उसके बाद में इन्होंने सुबह से उठ के देखा तो छोरा ने घबराहट में वो भी होगा। काका बीमार था पहले? हाँ, काका को लकवा था। तो कितने साल की उम्र थी काका? काका की 45 साल। और छोरे के? छोरे के 7 साल। तो क्या हुआ छोरे ने? अच्छा था छोरे को? कुछ नहीं सर, अच्छा भला खेलता खेलता वो तो होगा। अचानक ही जैसा पिताजी के रेट में घबराहट से वो भी होगा। कोई बीमारी थी पिताजी को पहले? नहीं, पिताजी को तो बस वो लकवे की थी, बाकी कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।